विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, दार्शनिक नहीं है और सिद्धांत इसके लिए अर्थ भी नहीं रखता। यह उपाय की विधि की चिंता करता है। तंत्र शब्द का अर्थ ही है विधि, उपाय, मार्ग। तंत्र का अर्थ विधि है, इसलिए यह एक विज्ञान ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है और विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। इसलिए तंत्र विज्ञान है, दर्शन नहीं। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की जरूरत होगी। बदलाहट की नहीं, आमूल बदलाहट की जरूरत होगी। जब तक आप बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते हो तब तक तंत्र को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं है, वह एक अनुभव है। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछती हैं, प्रभु आपका सत्य क्या है। शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाएं, तो वे उत्तर पा जाएंगी, इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बताते हैं। वे कहते हैं कि यह करो और तुम जान जाओगे कि शिव कौन है। तंत्र के लिए करना ही जानना है। तुम एक प्रश्न पूछते हो और दर्शन एक उत्तर दे देता है, उससे तुम चाहे संतुष्ट होते हो या नहीं होते हो। यदि संतुष्ट हुए तो उस दर्शन के अनुयायी हो जाते हो, लेकिन तुम वही के वही रहते हो। और यदि संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरे दर्शन की खोज में निकल चलते हो जिनसे संतुष्टि मिल सके, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, अछूते, अपरिवर्तित। इसलिए तंत्र समाधान नहीं देता, समाधान को उपलब्ध होने की विधि देता है। अगर तुम अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ कहोगे तो वह कहना बौद्धिक होगा, और अगर अंधा स्वयं देखने में सक्षम हो जाता है तो वह अस्तित्वगत बात होगी। इस अर्थ में तंत्र अस्तित्वगत है। भैरवी स्वयं भगवान शिव की शक्ति है, जो स्वयं शिव से अभिन्न होते हुए भी वह शिव के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है। वह भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए 8 प्रश्न करती हैं कि इन सब में आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, हमें यह बताएं। भगवान शिव ने माता पार्वती के सभी 8 प्रश्नों को नकारते हुए उनसे अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवी भैरवी उन उपायों को जानना चाहती हैं, जिससे वह शिव अवस्था में प्रवेश करके उनसे एक हो जाएं। वह शिव से अभिन्न होते हुए भी अपने परास्वरूप को ना जान पाने के कारण अपने को उनसे भिन्न अनुभव करती हैं। वह अपने अपरा प्रकृति से सृष्टि की रचना तो करती हैं, परंतु अपनी ही अपरा प्रकृति से अनभिज्ञ हैं, जो शिव से भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान शिव उन्हें इसका बोध कराने के लिए 112 धारणाओं का उपदेश देते हैं, जिससे वह शिव के साथ एकीकृत हो सके हैं। शिव के उत्तर में केवल विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां, लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण हैं। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष पुराना है, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है, यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन है। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है, वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षितवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता। रेडियो और टेलीविजन ईसाई नहीं है। कोई नहीं कहता कि बिजली ईसाई है,
क्योंकि ईसाई मस्तिष्क ने उसका आविष्कार किया है। विज्ञान किसी वर्ण या धर्म का नहीं है और तंत्र विज्ञान है, तंत्र धर्म नहीं है, इसीलिए किसी विश्वास की जरूरत नहीं है, प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। तंत्र बहुत माना जाना नहीं है, यदि माना जाना है भी तो बहुत गलत समझा गया है। उसके कारण है जो विज्ञान जितना ही ऊंचा और शुद्ध होगा उतना ही कम जनसाधारण उसे समझ सकेगा। हमने सापेक्षतावाद के सिद्धांत का नाम सुना है। कहा जाता था कि आइंस्टीन के जीते जी केवल 12 व्यक्ति उसे समझते थे। यही कारण है कि जनसाधारण तंत्र को नहीं समझा। और यह सदा होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम समझते जरूर हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तुम उसे गाली देने लगते हो, यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझा, यह असंभव है। तीसरी बात कि तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अतिनैतिक है। कृपा कर इन शब्दों को समझें, नैतिक अनैतिक अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है वह भी हम समझते हैं। लेकिन जब कोई चीज अतिनैतिक हो जाती है, नैतिक अनैतिक दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। इसमें तंत्र अतिनैतिक है। इसको ऐसे समझो, औषधि अति नैतिक है, वह न नैतिक है न अनैतिक। चोर को दवा दो तो उसे लाभ पहुंचाएगी, संत को दो तो उसे भी लाभ पहुंचाएगी। दवा कभी चोर और संत में भेद नहीं करेगी। दवा वैज्ञानिक है, तुम्हारा चोर या संत होना उसके लिए अप्रासंगिक है। तंत्र कहता है तुम आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते, मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। आज पूरी जमीन पर यही हो रहा है। इतने उपदेश, इतनी नैतिक शिक्षा, इतने पुरोहित, इतने प्रचारक, पृथ्वी उनसे पटी है और फिर भी सब कुछ इतना अनैतिक है, इतना कुरूप है। ऐसा क्यों हो रहा है? तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज की चिंता नहीं करता। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी कम फिक्र करता है तो वह तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि चित्त को कैसे बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। भगवान शिव द्वारा कथित 112 विधियां इस प्रकार है। प्रथम विधि है दो श्वासों के मध्य ध्यान केंद्रित करें। श्वासों की अंदर जाती और बाहर आती प्रक्रिया को सजगरूप से देखे। प्रथम श्लोक में कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की यह क्रिया इस परादेवी का ही इस बंधन है। यह क्रिया हृदय से आरंभ होकर ऊपर द्वादशांत तक अर्थात नासिका से बाहर निकालकर 12 अंगुल दूर तक जाती है, तो इसे प्राण कहा जाता है। तथा द्वादशांत से भीतर हृदय तक आने वाले श्वास को जीव नामक अपान कहा जाता है। साधारण भाषा में कहे तो जब आप श्वास लेते हैं तो यह श्वास हृदय से शुरू होकर नाक से बाहर निकलकर कुछ अंगुल तक जाती है, इसे प्राण कहा जाता है। फिर जो श्वास नासिका से होते हुए हृदय तक पहुंचती है उसे जीव या फिर अपान वायु के नाम से जाना जाता है। यह परादेवी निरंतर इसका स्पंदन करती रहती है। यह परादेवी विसर्ग स्वभाव वाली है, यही आंतर व बाह्य भावों की सृष्टि करती है। शरीर में अथवा सृष्टि में जो भी स्पंदन है, हलचल है, वह सभी इसी शक्ति के कारण है। जहां कोई भी स्पंदन नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है, ऐसी शांत अवस्था ही चैतन्य स्वरूप शिव का स्थान है। जब प्राण वायु बाहर निकलता है और अपान का आरंभ नहीं होता है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतराल रहता है, यही शिव का स्थान है जहां कोई गतिविधि नहीं होती है। इस पर ध्यान को केंद्रित करने पर यह अवकाश लंबा हो जाता है
और इसी में उस चैतन्य स्वरूप शिव की अनुभूति होती है। इस प्रकार जब हृदय में अपान वायु का अंत होकर प्राण वायु का उदय होने के मध्य जो अवकाश है उसका ध्यान करने से योगी की भैरव स्वरूप शिव की अभिव्यक्ति हो जाती है। योग शास्त्र के अनुसार हृदय स्थित कमल कोश से प्राण का उदय होकर नासिका मार्ग से निकलकर 12 अंगुल चलकर अंत में आकाश में विलुप्त हो जाता है। प्राण की इस बाह्य गति को रेचक कहा जाता है। फिर इससे आकाश में अपान का उदय होता है तथा नासिक मार्ग से चलकर यह हृदय स्थित कमल कोश में विलीन हो जाता है। अपान की इस स्वाभाविक अंतर गति को पूरक कहा जाता है। जब द्वादशांत में तथा अपान वायु हृदय में क्षण भर के लिए रुक जाती है उसे योग शास्त्रों में कुंभक कहा जाता है। यह कुंभक अवस्था दो तरह की होती है। वह कुंभक तथा आंतर को जब यह श्वास चलते चलते मध्य में ही किसी कारण से रुक जाती है तो उसे मध्य कुंभक कहते हैं। इन सभी रेचक कुंभक तथा पूरक अवस्थाओं का निरंतर ध्यान पूर्वक निरीक्षण करते रहने से योगी जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो, उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के हजारवें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहाँ एक बिंदु है जहाँ वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है तो फिर वहाँ भी एक क्षण के लिए या क्षणांश के लिए ठहर जाती है और फिर वह भीतर के लिए लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। तुम तो हो लेकिन मृत, लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर आने वाली जीवन का। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और फिर जन्म लेते हो। इन दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है। तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तब तुम आप्त काम हो गए। तुमने जान लिया, घटना घट गई। प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे, उसे अवश्य पा सकते हो। वह है तुम्हें या तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है। वह है ही सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। इसका प्रयोग करने के लिए पालथी मारकर शांत अवस्था में बैठ जाए। पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होश पूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासपुटों को स्पर्श करें तो उसको महसूस करो। श्वास को गति करने दो और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, न आगे जाओ और न पीछे पड़ो। उसका साथ न छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो। स्मरण रहे, न आगे जाना है और न छाया की तरह पीछे चलना है, समांतर चलो युगपत। श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। यह आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर जाओ। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का, बोध का अभ्यास करते गए तो एक दिन अनजाने ही तुम अंतराल को पा जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है। साधना की बात करते हैं तो सीधे सीधे
स्पष्टीकरण हमारा जो विज्ञान भैरव तंत्र है, शिव और पार्वती के बीच का जो संवाद है, वहां पे जाना पड़ेगा। और विज्ञान भैरव तंत्र में साफ साफ स्पष्ट शिव ने गुरु रूप को धारण करते हुए अपनी पत्नी को, अपनी प्रेयसी को बताया है कि जो तंत्र मार्ग है वो गुप्त से गुप्त है। इतना गुप्त है कि उन्होंने कहा है कि हे पार्वती, इस तंत्र विद्या को, इस साधनाओं को, इस ज्ञान को जो मैं बता रहा हूं, इसको अपनी योनि के समान संभाल के रखना। इस प्रकार से उन्होंने उसको बताया हुआ है कि इतना गुप्त रखना कि जैसे अपने अंग हैं उनको छुपा के रखो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो तंत्र का सीधे सीधे अर्थ यह है कि उसको बताया नहीं जाना चाहिए। इसीलिए गुरु की जो वाणी होती है वो बड़ी रहस्यमय होती है, बड़ी टेक्निकल होती है, वो सीधे साफ स्पष्ट बात करता ही नहीं है, क्योंकि तंत्र का जो सिस्टम है वो सीधे सीधे मुक्ति मार्ग की ओर ले जा रहा है और बहुत ही रहस्यमय मार्ग है। लेकिन बड़ा दुष्कर भी है, क्योंकि तंत्र में हम बाहर से चोट मारते हैं, मंत्रों का प्रयोग कर रहे होते हैं, अलग अलग उच्चारण होते हैं, अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, एक अक्षरी से लेके षडाक्षरी मंत्र भी होते हैं, 36 अक्षरी मंत्र हैं। तो उन मंत्रों का अलग अलग योगदान है साधक की ऊर्जा को ऊपर बढ़ाने के लिए। साधक की ऊर्जा का अर्थ है जो कुंडलिनी उसकी है विराजमान, उस कुंडलिनी में अलग अलग चक्र हैं, 7 चक्र। उन 7 चक्रों के अलग अलग रहस्य विज्ञान हैं और हर चक्र पे अलग अलग देवी देवता, अलग अलग शक्तियों का स्थान है। और हर मंत्र की अलग अलग चोट जब पड़ती है तो उस केंद्र पे वाइब्रेशन होती है, यानी कि हर सेंटर की एक अपनी गति है, हर केंद्र की अपनी एक वाइब्रेशन है, तरंग धैर्य है। तो वहां तक जहां पे आप छू नहीं सकते हैं, जहां पे आप देख नहीं सकते हैं, तो वहां पे कैसे पहुंचेंगे? तो वहां पे पहुंचाने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं, यानी जो ऋषि मुनि लोग हैं, उन्होंने इन पे बहुत रिसर्च करी। और है तो सारा भगवान भैरव का ही सारा, तो उन्हीं से ही अर्जित जो ज्ञान है सभी ऋषि मुनि का, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और उसको जब हम कठोर रूप में लेते हैं तो तंत्र आ जाता है, यानी कि बाहर से आघात करके आप मुंह से जब बोलते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। अगर आप किसी से गलत बोलेंगे तो उसके भीतर जो तरंगे उठती हैं वो उसके भीतर क्रोध का भाव पैदा कर देती हैं और वो आपको उठपटांग कुछ भी बोल सकता है, मार भी सकता है। वहीं अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, उसकी एक अलग तरंग धैर्य है, उसके अंदर वो वाइब्रेशन पैदा कर देती है और उसके हृदय से वो प्रेम फूटने लगता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा बोला गया कहीं ना कहीं छूता है और हमारे सामने जो दृश्य है उसके सामने वो प्रकट होता है। उसी प्रकार से हमारे जो अलग अलग केंद्र हैं, उन अलग अलग केंद्रों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और उन मंत्रों की ऐसी डिजाइनिंग करी गई है ऋषि मुनियों द्वारा कि वो बिना किसी मीडिया के, बिना किसी मशीन के उन्होंने जान लिया कि जो हमारा वो सेंटर है वो किस ध्वनि पे एक्टिव होना शुरू हो जाता है। कितने करोड़ों साल की मेहनत है। तो उस केंद्र पे जब हम उस स्पेसिफिक मंत्र को चोट मारते हैं बोलते हुए, तो जब हम बोलते हैं, 2-4 बार बोलने से कुछ नहीं होगा, उसकी एक संख्या है निश्चित जो उन्होंने गणना करी हुई है कि इतनी संख्या इतने दिन में और प्रतिदिन इतना और किस माला पे और बाकी जो चीजें हैं, घंटा, डमरू, इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए जब आप उनको प्रोसेस में लाते हैं तो एक शुरुआत में हो सकता है कुछ दिन नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 उन मंत्रों की वाइब्रेशन इतनी तीव्र हो जाती है, क्योंकि जबान की आदत नहीं होती उन मंत्रों को करने की, उस जीभ पे वो मंत्र जब आ जाता है और उसकी वही वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, तो वहां पे उस केंद्र पे जो 7 चक्र हैं, जिस चक्र की मंत्र करे जा रहे होंगे, उस चक्र में वहां पे स्पंदन होना शुरू हो जाता है। वहां तक जहां पे आप छू नहीं सकते हैं, जहां पे आप देख नहीं सकते हैं, तो वहां पे कैसे पहुंचेंगे? तो वहां पे पहुंचाने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं, यानी जो ऋषि मुनि लोग हैं, उन्होंने इन पे बहुत रिसर्च करी। और है तो सारा भगवान भैरव का ही सारा, तो उन्हीं से ही अर्जित जो ज्ञान है सभी ऋषि मुनि का,
वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और उसको जब हम कठोर रूप में लेते हैं तो तंत्र आ जाता है, यानी कि बाहर से आघात करके आप मुंह से जब बोलते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। अगर आप किसी से गलत बोलेंगे तो उसके भीतर जो तरंगे उठती हैं वो उसके भीतर क्रोध का भाव पैदा कर देती हैं, और वो आपको ऊट पटांग कुछ भी बोल सकता है, मार भी सकता है। वहीं अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, उसकी एक अलग तरंग धैर्य है, उसके अंदर वो वाइब्रेशन पैदा कर देती है और उसके हृदय से वो प्रेम फूटने लगता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा बोला गया कहीं ना कहीं छूता है, और हमारे सामने जो दृश्य है उसके सामने वो प्रकट होता है। उसी प्रकार से हमारे जो अलग अलग केंद्र हैं, उन अलग अलग केंद्रों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और उन मंत्रों की ऐसी डिजाइनिंग करी गई है ऋषि मुनियों द्वारा कि वो बिना किसी मीडिया के, बिना किसी मशीन के उन्होंने जान लिया कि जो हमारा वो सेंटर है वो किस ध्वनि पे एक्टिव होना शुरू हो जाता है। कितने करोड़ों साल की मेहनत है, तो उस केंद्र पे जब हम उस स्पेसिफिक मंत्र को चोट मारते हैं बोलते हुए, तो जब हम बोलते हैं दो चार बार बोलने से कुछ नहीं होगा, उसकी एक संख्या है निश्चित जो उन्होंने गणना करी हुई है कि इतनी संख्या इतने दिन में और प्रतिदिन इतना और किस माला पे और बाकी जो चीजें हैं घंटा डमरू, इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए जब आप उनको प्रोसेस में लाते हैं तो एक शुरुआत में हो सकता है कुछ दिन नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 उन मंत्रों की वाइब्रेशन इतनी तीव्र हो जाती है, क्योंकि जबान की आदत नहीं होती उन मंत्रों को करने की, उस जीभ पे वो मंत्र जब आ जाता है और उसकी वही वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, तो वहां पे उस केंद्र पे जो सातों चक्र हैं, जिस चक्र की मंत्र करे जा रहे होंगे उस चक्र में वहां पे स्पंदन होना शुरू हो जाता है, और जिसको तंत्र में पिक्टोरियल फॉर्म में अलग अलग देवी देवताओं के चित्रण के रूप में दर्शाया गया है कि हमने अगर इस प्रकार का मंत्र करा तो इस प्रकार की देवी जागृत हो जाएगी। वो देवी इसलिए पिक्चर फॉर्म में बताया गया क्योंकि उस मंत्र को करने से जब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी से उस केंद्र को हिला दिया तो वो एक बीज रूप में है, बिल्कुल सोया हुआ है, तो फूटने लगता है, और फूटने से पहले जोर मारता है तो बाहर की तरफ धक्का लगता है और उसको ऐसे लगता है कि वो कुछ चीज अंदर से बाहर आ रही है, और इसको जो ध्यान ही नहीं होगा, दृष्टा भाव से देखता हुआ नहीं चलेगा, तो वो उस आवेग में बह के अलग अलग प्रकट रूपों में अपने भावों को दिखाता है कि मेरे में देवी आ गई, या मैं ही भैरव हो गया, या मैं ही काली हो गया, तो उसको उस रूप में बताता है। कई लोग बताते कि मैं ये सिद्ध हूं, मैं वो सिद्ध हूं, लेकिन वो सिद्ध बहुत छोटी सी चीज है, वो सिर्फ सीढ़ियां हैं। इसलिए संत लोग जो पहुंचे हुए हैं बताते हैं कि सीढ़ियां हैं साधना या सिद्धियां, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिद्धि जब आपने एक बात करी कि ये सिद्धि हो गई, तो उस सेंटर पे उस मंत्रों की चोट मारते हुए अलग अलग तांत्रिक प्रोसेस से, यंत्रों के माध्यम से, मालाओं के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ऊर्जा पात कराते हुए, तो उस सेंटर की जो बीज था वो खुल गया। तो ऐसा नहीं कि आपने 1.25 लाख मंत्र करे एक 1.25 लाख में हो गया, वो उसके ऊपर जो बीज के ऊपर कवरेज है वो हमारे संस्कारों का है, हमने कितने पाप और पुण्य करे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसके ऊपर है, उसको वो तोड़ के बाहर आता है, और उस जो बाहर जो कवरेज है उसको गलाने के लिए गुरु आशीर्वाद, इष्ट कृपा और ध्यान की विधियां बहुत जरूरी हैं। बिना ध्यान की विधियों से वो गलेगा ही नहीं और अंदर से फूटेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर सिर्फ आप ध्यान भी करेंगे, ज्ञान भैरव तंत्र में जब बोल रहे हैं तो उसमें भी ध्यान की विधियां बताई गई। बोला तंत्र क्या है, तंत्र मतलब होता है सिस्टम, तो वो बताया गया सिस्टम को कि आप ये ध्यान की विधियों को करो हे देवी तो आपको ये प्राप्त होगा, इस ध्यान की विधि करो जिसमें सांसों को देखा जा रहा है तो ऐसा होगा। तो उस बीज को फूटते समय तो ये संस्कार हैं फूट के बाहर चले जाते हैं और उस केंद्र का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। वो केंद्र फूट गया, उसके भीतर जो भी गुण विद्यमान थे वो आपके कैरेक्टर हो जाते हैं, आपको करने नहीं पड़ते, वो कैरेक्टर हो गए, यानी कि आपका व्यवहार वैसा होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बगलामुखी की बात करें तो अगर बगलामुखी का किसी को कृपा प्राप्त हो जाए तो उस बीज को फूटते समय तो ये संस्कार फूट के बाहर चले जाते हैं और उस केंद्र का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है।
वो केंद्र फूट गया, उसके भीतर जो भी गुण विद्यमान थे वो आपके कैरेक्टर हो जाते हैं, आपको करने नहीं पड़ते। वो कैरेक्टर हो गए यानी कि आपका व्यवहार वैसा होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बगलामुखी की बात करें, तो अगर बगलामुखी का किसी को कृपा प्राप्त हो जाती है यानी कि उस सेंटर पे वो परिपक्व हो जाता है, तो उस सेंटर के जो गुणधर्म हैं वो ये हैं कि वाचम मुखम पदम स्तंभ है, उनके मंत्र में बोला जाता है। भाई सामने वाला तो उस कैटेगरी का नहीं है, उसने कोई तंत्र नहीं सीखा है, वो कोई साधक नहीं है, वो सामान्य जीव है जिसने अपने कर्मों को संस्कारों को संचित करते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ता चला जा रहा है, अपने जीवन को समान रूप से जी रहा है। और उसी के समक्ष वो साधक है जिसमें वो गुणधर्म विद्यमान है, तो जब वो उससे बात करेगा तो उसकी दृष्टि नीचे झुक जाती है, उसके सामने बोल नहीं पाता है, यानी कि उसकी जीभ कील दी जाती है। ऐसा बोला जीवा कील है, तो जीवा कील दिया, ऐसा नहीं कि कील ठोक देगा, जीवा कील दिया बताने का तरीका है, तो जीभ चुप हो जाती है, बोल नहीं पाता है। बुद्धि स्तंभ हो जाती है, यानी कि बुद्धि का स्तंभन हो जाता है, ना वो सोच पाता है ना समझ पाता है ना कुछ बोलने के लिए अंदर से आता है। तो ये उसका गुण है, लेकिन इसको भी अगर गुरु के सानिध्य में नहीं कर रहा है तो उसकी खुद की बुद्धि भी स्तंभित हो जाती है, वो विकृत होके उसको कुछ सोच समझ ही नहीं रहती, वो पागलों की तरह तरह घूमता हुआ फिरता है। तो उसको भी सही दिशा गुरु ही देता है कि किस दिशा में जाना है। अब तुमने ये मंत्र कर लिया है, अब शांत बैठना है, कौन सा ध्यान करना है, कौन सा मंत्र करना है, कौन सा तंत्र करना है। तो उनको जब वो करता हुआ आगे बढ़ता है और इसी तंत्र के सिस्टम में ही अलग अलग केंद्रों में अलग अलग शक्तियां विराजमान है, उन शक्तियों को जागृत करता हुआ धीरे 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 अपनी यात्रा को ऊपर बढ़ाता है। और मूलाधार में जो शक्ति विराजमान है, वो सहस्त्रार में जो शक्ति विराजमान है, उसके साथ समागम करने के लिए उठ पड़ती है। इसीलिए जब काली का जब चित्रण आप देखते हैं तो वो मारती काटती चीखती चिल्लाती फाड़ती सबको मारती हुई आगे बढ़ती भयावह रूप में, क्योंकि उसका उग्रतम रूप है और वो तंत्र का रूप है। कहीं कहीं आपने काली को मुस्कुराता हुआ भी देखा होगा, भैरव के बहुत सौम्य रूप भी देखे होंगे, लेकिन उनके जो सौम्यतम रूप भी हैं वो भी बहुत भयानक हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले साधकों को भटुक भैरव के जो बाल रूप है उनकी साधना और उनका मंत्र देना शुरू करता हूं, क्योंकि हर साधक की क्षमता नहीं होती है। तंत्र के जो सम्राट बोले जाते हैं वो भगवान भैरवनाथ ही बोले जाते हैं। बिना भगवान भैरव से आज्ञा लिए कोई भी व्यक्ति अगर तंत्र में उतरता है वो निश्चित तौर पर विक्षिप्त होता है और मृत्यु और अधोगति को प्राप्त होता है, क्योंकि उन्हीं को ही आशीर्वाद है या उन्हीं का ही क्षेत्र है तंत्र, क्योंकि जो भैरव हैं वही शिव हैं। और जो विज्ञान भैरव तंत्र को इसीलिए ही विज्ञान भैरव तंत्र बोला जाता है क्योंकि दे तो शिव रहे हैं गुरु रूप में, यानी कि गुरु रूप में जब बैठता है तो वो भैरव ही बैठता है, भैरव से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। यानी कि जो भी गुरु पदासीन हैं, जो वास्तविक रूप में गुरु और शिष्य परंपरा को लेकर चल रहे हैं, उनमें वो जो भैरव तत्व है वही उनके मुखारविंद से साधकों को गाइड करते हुए चलता है। तंत्र में जो फैली हुई हजारों भ्रांतियां हैं, मेरे पास हजारों साधक आते हैं, मुझे अप्सरा सिद्ध करनी है, मुझे यक्षिणी सिद्ध करनी है, मैं उनको मना नहीं करता हूं कि उनके मन के विकारों को मैं जानता हूं, क्योंकि जब तक मन के विकार नहीं दूर होंगे, भीतर से शांत नहीं होगा, वो ये सिद्धि और साधनाओं के चक्कर से नहीं निकल पाएगा। ऐसे बहुत सारे साधक आते हैं जो 250-250 दीक्षा लेके बैठे हुए हैं, अभी भी उनके अंदर वो लोभ है और लालच है कि मैं दीक्षा ले लूं, अब दूसरे गुरु से ले लेता हूं, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें इसमें साइकोलॉजिकल भी होती हैं कि उनको समझानी पड़ती हैं कि तुम जो साधना करना चाहते हो आओ करो मैं बताता हूं। लेकिन उस भैरव की ऐसी कृपा है कि जो साधक आता है और नीति नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है मेरे साथ, तो उसको वो ईष्ट वो भैरव उसी स्थान पर धीरे धीरे सरका के ले जाता है जहां उसको होना चाहिए, उनको उनके मन के विकारों से दूर करता है। ये जितनी भी क्षुद्र शक्तियां हैं, चाहे अप्सरा है, चाहे परी है, चिन्ह है, भूत हैं, ये बहुत छोटी हैं, और छोटी चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो वो छोटी चीज को पकड़ के अपनी दुकान सजा के ओझागिरी करने बैठ जाता है, तो लोग उसको तांत्रिक कहना शुरू कर देते हैं। तो तंत्र का जो
इतना विख्यात रूप है, उस सिमट के बस एक छोटी सी दुकान में, एक झोपड़ी में बाबा के 100, 10, 50 रुपए के चक्कर में बिक जाता है। बस एक छोटी सी दुकान में, एक झोपड़ी में बाबा के 100, 10, 50 रुपए के चक्कर में बिक जाता है। और यही हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि तंत्र में अधिकतर जितने लोग हैं वो सब अनपढ़ गवार जाहिल हैं, जिनका पीछे को कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो सिर्फ लोभ और लालच चक्कर में, छोटे मोटे बाबाओं के चक्कर में घूम के एक आध भूत प्रेत सिद्ध कर लिया, छोटी मोटी कोई शक्ति कर ली और उन्होंने झाड़फूक करना शुरू कर दिया और तंत्र का नाम बदनाम होना शुरू हो गया। तंत्र झाड़फूक नहीं है, तंत्र कोई सिद्धि साधना नहीं है, तंत्र पूरा का पूरा एक विज्ञान है जीव को शिव से मिलाने का। इसीलिए ही तंत्र का नाम शिव बार बार बोलते हैं। गुप्त रखो, गुप्त इसलिए रखो क्योंकि जो बाहर जाता है वो शक्तिहीन हो जाता है। जितना रहस्यमय रहेगा उतना ज्यादा पावरफुल रहेगा। और तंत्र में साफ साफ ये बोला गया है कि आप साधक को मौन रखिए, आप साधक अपनी दृष्टि नीचे करके चलिए, साधक ब्रह्मचर्य का पालन करें, साधक जमीन पे सोए, साधक बाहर का कुछ भी ना खाए, अपने हाथ का बनाया हुआ खाए, निश्चित समय पे खाए, रोज सुबह 4 बजे से पहले उठ जाए, 4 बजे अपना पूजन पाजन ध्यान इत्यादि शुरू कर दे। तंत्र की जो साधना है वो रात्रि की साधना है। और रात्रि में जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने इस क्षेत्र में देखा है, उसको अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं तो पूरी आधी पृथ्वी पे अंधकार होता है और पूरी आधी पृथ्वी की जो दिमागी वाइब्रेशन है सब शांत रहती है, सब शांत रहती हैं। क्योंकि जब आप दिन भर काम करते हैं, हजारों तरह के विचार चलते हैं और पूरी आधी पृथ्वी पे वही चल रहा है, लूट खसूट, एक के ऊपर एक पैर रख के निकलना, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो प्राप्त करना है, किसी की हत्या हो रही है, तो जो पूरे दिन भर का जो समय है उस समय आप साधना के लिए नहीं अलाउड है। आपका समय वो है तंत्र में रात्रि का, 10-11 बजे के बाद, जब पूरी आधी पृथ्वी शांत हो जाती है, वृक्ष जीव जितने भी हैं सब शांत हो जाते हैं और उनकी जो वाइब्रेशन है बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। उस समय जो साधक उठता है और साधना के लिए पूरी ऊर्जा से बैठता है उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। तो तंत्र में रात्रि में इसीलिए उस साधना को करने के लिए बोला गया है, 10-11 बजे के बाद बैठिए, 2-3 बजे तक बैठिए, 2 बजे तक बैठेंगे, 1 घंटा विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर 4 बजे उठ जाइए। क्योंकि 4 बजे साइंटिफिकली अगर आप इस चीज को देखेंगे तो जो हम खाना खाते हैं रात्रि में, उसमें से एक रात्रि में द्रव्य रिसता है, क्योंकि वो नीचे सारा निकलता होता है ना, तो उसमें से एक द्रव्य रिसता है। मैं इसको खुल के नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी सारी चीजें बताई हैं, तो मैं इशारों में बताऊंगा कि वो जो द्रव्य रिसता है वो मूलाधार पे चोट मारता है। मूलाधार पे जो चोट मारता है यानी कि कुंडलिनी को नीचे उठाने के लिए वो प्रोसेस में रहता है उस समय। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़कों की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यह है कि सवेरे सवेरे हमारे लिंग में उत्तेजना क्यों होती है, सवेरे उठते हैं उस समय लिंग में उत्तेजना होती है। दूसरा प्रॉब्लम, सवेरे सवेरे ही हमें स्खलन क्यों हो जाता है, हमें वीर्यपात क्यों हो जाता है सवेरे सवेरे, वही 4-5 बजे का ही समय रहता, किसी डॉक्टर से बात करिए वही बताएगा, किसी भी लड़के से बात करिए, उसी समय ही नीचे चोट मार रही होती है वो शक्ति। और उस समय कनेक्ट किससे करेगी, अगर आपका मन होगा तो मन में चल रहे जितने भी पुरानी फिल्में हैं, चित्र हैं और जो भी पुराना जन्मों का संस्कार है वो सब यहीं भरा हुआ है, तो हिट मारती है ऊपर कि चलो ऊपर शिव से मिलन के लिए। अब यहां कहां शिव गायब है, यहां तो मन का पर्दा डला हुआ है, तो मन में जो होता है वो उसको चित्रण दिख जाता है, इसीलिए उनको जो है नंगी स्त्रियां दिखती हैं, अलग अलग चीजें दिखती हैं और उनका वो कामक विचार मुंह की तरफ बह जाता है। तो यहां का विचार था जो उसको शिव से मिलन करा सकता था, उस कुंडलिनी का, उस शक्ति का शिव में विलय करा सकता था और मुक्त करा सकता था, उस समय वो नीचे बह जाता और खंडित हो जाता सब कुछ और अंदर ग्लानी भाव आता है सवेरे सवेरे, ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए ही अगर आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलेंगे, वो आपको बताएगा कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो वो कहेगा कि बेटा सवेरे का जो समय है ना उस समय सेक्स करो,
वो इसीलिए ही बताता है क्योंकि वो जानता है उस साइंस को बहुत गहराई से कि जो पचाया हुआ है वो उस समय नीचे चोट मारता है, इसीलिए उस समय उत्तेजना होती है। और इसीलिए साधक को बोला जाता है कि सवेरे 4 बजे उठ के बैठ जाओ, क्यों? क्योंकि वहां चोट मार रही है उस समय, रीढ़ की सीधी करके ऐसे बैठ जाओ और ध्यान लगाओ अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का। तो जब उस साधना को करता है तो धीरे 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 ऊपर ऊर्जा उठती है, नीचे नहीं बहती है। और ऊपर ऊर्जा उठती है एक निश्चित समय पे, जो हर साधक का समय है, उस समय पे उसका उससे मिलन होता है। कुछ साधक उसको ऐसे बोलते हैं कि ऊपर से उस समय बरस रहा है, वो बताने का दूसरा तरीका है, क्योंकि नीचे से ऊपर चोट पड़ रही है तो ऊपर हिट हो रही है, तो ऊपर हलचल हो रही है। तो यहां जो कैलाश विराजमान है, जो शिव विराजमान है, उससे उसका मिलन होता है। और जब मिलन हो जाता है और शक्ति फूट के इस ब्रह्म में लीन हो जाती है, तभी भीतर जो बैठा शिव है उसके भीतर से उद्घोष होता है कि शिवो हम वैरवो हम अहम ब्रह्मास्मि। तब उसकी उपस्थिति इस अस्तित्व में लीन हो जाती है, तब वो स्वयं बचता नहीं और पूरा का पूरा जो तंत्र का सिस्टम है वो सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है, वो कोई साधना सिद्धि के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, तंत्र सिर्फ यही बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा। विज्ञान भैरव तंत्र की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम शिव और पार्वती के बीच के संवाद की बात करेंगे, जिसमें ज्ञान मुक्ति या मोक्ष पाने की 112 विधियों का वर्णन है जो भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए। तो सबसे पहले तंत्र को समझते हैं। तंत्र के मामले में लोगों ने कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। ज्यादातर लोग तंत्र को संभोग से जोड़कर देखते हैं, हालांकि तंत्र का मतलब होता है तरीका, विधि। तंत्र की इन विधियों में ज्यादातर जो चर्चा हुई है वो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म का मार्ग है। विज्ञान भैरव तंत्र की सभी विधियों में परम ज्ञान को पाने के मार्ग हैं, और उन विधियों के बीच आपको बहुत कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिससे साधक भटक जाता है, जैसे तांत्रिक विद्या, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि। परंतु विज्ञान भैरव तंत्र का यह उपयोग नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य तो परम ज्ञान पाने का है। तो चलिए आज विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियों में कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। बाकी विधियां आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी। तो पहला मार्ग है कर्म मार्ग में सांस की धारणा का। जैसे सांस बाहर आती है तो हम उसे सांस को छोड़ना कहते हैं, जिसे रेचक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में उसे प्राण श्वास कहा गया है। मतलब जब प्राण या रेचक शब्द आए तो उसका मतलब होता है सांस को छोड़ना। और ठीक वैसे ही श्वास को अंदर लेने को हम सांस का लेना कहते हैं, जिसे पूरक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में इसे अपान श्वास या जीव कहा गया है। तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो अंदर लेने के बाद कुछ देर रुकते हैं, और ठीक वैसे ही जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते समय फिर हम कुछ देर रुकते हैं। तो श्वास को भीतर लेने के बाद रुकना और श्वास को छोड़ने के बाद जो रुकना होता है, यानी आती जाती सांसों के बीच में जो गैप है, जो एक अंतराल है, एक ठहराव है, उसे कुंभक भी कहा जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में 5 धारणाएं श्वास पर हैं। भैरव यानी शिव कहते हैं, ऊर्जा के बनने और बिखरने के स्वभाव से ही बाहर आता हुआ श्वास और अंदर जाता हुआ जीव श्वास निरंतर चलता रहता है। इन दोनों ही श्वास की उत्पत्ति बिंदु पर भैरव की शक्ति की भावना करने पर उसका भैरव स्वरूप प्रकट होता है। दूसरी धारणा, अंदर आती हुई श्वास अंदर आने के बाद और बाहर जाती हुई सांस बाहर जाने के बाद एक क्षण के लिए विलीन हो जाती है। उस मध्य स्थिति का विकास करने पर चेतना का भैरव स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तीसरी धारणा, श्वास रूपी प्राण शक्ति और जीव शक्ति ना बाहर जाए ना अंदर आए, उस मध्य स्थिति को विकसित करने पर साधक अपने भैरव स्वरूप को पहचान लेता है। चौथी धारणा, बाहरी कुंभक और अंतर कुंभक की मध्य स्थिति के विकास करने पर प्राण और अपान शांत होने पर चंचलता शांत होकर चेतना का शांत स्वरूप प्रकाशित होता है। तो पहली ये चारों धारणाएं श्वास पर हैं, एक जैसी ही प्रतीत होती हैं। भगवान शिव इन धारणाओं के बारे में बताते हैं कि ऊर्जा के स्वभाव की वजह से ये सांस चलती रहती है। श्वास कहाँ से शुरू होती है,
उस पर विचार करने से परम ऊर्जा के बारे में ख्याल आता है, यानी अपनी श्वासों पर ध्यान दें कि वह कैसे चल रही है। आज की हमारी इस बिजी लाइफ में हम इस पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि हमारी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ यह कहने का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए बैठ जाओ और अपनी ही सांसों को देखो कि ये कहाँ से चल रही है, कहाँ से आ रही है। आती जाती सांसों के बीच में हम कितनी देर रुकते हैं, दोनों के बीच में कितना अंतराल है, इसे प्राकृतिक रूप से देखें। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस रुकने पर गौर करें। ऐसे ही श्वास को अंदर लेने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस समय पर गौर करें, वहां ध्यान दें। श्वास को रोकते समय आपके भीतर क्या क्या होता है उसे देखते रहें। इस पर ध्यान देने से आपका मन शांत हो जाएगा। और हम जिन भौतिक बातों के लिए दौड़ते रहते हैं वह सभी भौतिक चिंताएं कम हो जाएंगी। जैसे ही हम शांत होकर बैठेंगे हमारी बहुत सारी परेशानियां कम होने लगेंगी। और धीरे धीरे परम ऊर्जा या भैरव स्वरूप क्या है उस बारे में हम जानने लगेंगे। देखिए, श्वास की इस प्रक्रिया से आपके अंदर जो घटना घटने वाली है वह कोई एक दिन में नहीं घटेगी। आपको ये वीडियो देखकर लग सकता है कि आप दो चार दिन बैठेंगे और सांस का ये प्रयोग करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं है। श्वास के बीच की स्थिति को पकड़ने में देर लगती है और जब आपका मन और आपके विचार शांत हो जाएं, तभी समझना कि आपने बीच की स्थिति पकड़ ली है। आपके मन में विचार चल रहे हैं या आपके मन में ऐसा भी विचार आता है कि हाँ, अब मैंने बीच की स्थिति पकड़ ली है और मैं निर्विचार या शून्य की अवस्था में हूँ, तो इसका सही अर्थ यह है कि आप अभी बीच की स्थिति में नहीं है। ये मन के ही द्वारा दिया जाने वाला एक धोखा है। अब श्वास की पांचवीं धारणा, प्राण और अपान वायु के आने जाने के सभी द्वार बंद करके उसकी गति रोकने पर शरीर में चींटी चलने जैसा प्राण के ऊपर उठने का अनुभव होता है। उससे चित्त परम आनंद से भर जाता है। अर्थात जब आप अपने मुंह और नाक को बंद करके श्वास रोकने का प्रयास करते हैं और इसे थोड़ा लंबे समय तक करते हैं, शुरुआत में यह आपसे आसानी से नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे जब आप श्वास को अपने भीतर रोक के रखेंगे तो श्वास के ऊर्जा के उस फोर्स से आपके शरीर में चींटी चलने जैसा अनुभव होगा। उस अनुभव को देखते रहने से और उसको विकसित करने से आपको आनंद मिलेगा। ध्यान देना, इन सभी धारणाओं में याद रखना है कि हमें केवल धारणा करनी है, यानी इन सबको बिना तर्क लगाए गहरे में मान लेना है। फिर इसमें परमात्मा से जो भी अनुभव मिलना होगा वह मिलेगा, और अगर कोई अनुभव नहीं मिलता तो हम अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं कर सकते। परमात्म रूपी अनुभव ये हमारे हाथ में नहीं होता, जब उसकी कृपा होगी तब ये हो जाएगा। आपको केवल क्रिया करनी है, यह विधि करनी है और पूरी तरह से परमात्मा पर समर्पित करके करना है, बाकी सब कुछ उसी पर छोड़ देना है। और दूसरी बात, ये सब करके हम केवल शांत होंगे और उस परम ऊर्जा को जान पाएंगे। इससे कोई भौतिक लाभ या सिद्धियों की आशा मत करना, और इन विधियों को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। आपको जब भी समय मिले इसका प्रयास करते रहें। तो विज्ञान भैरव का ये पहला भाग था जिसमें श्वास के ऊपर पांच धारणाएं थीं। याद रखना, इन पांचों धारणाओं को आपको भीतर से मान लेना है और फिर इसे प्रयोग करते हुए इस मान लेने को आपको स्वयं से जानना है। तो विज्ञान भैरव तंत्र का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप अध्यात्म से और गहरा जुड़ सकें तथा इसमें गहरा उतर सकें। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा आपका मित्र। आज हम चर्चा करेंगे और एक सूत्र के बारे में, विज्ञान भैरव तंत्र शास्त्र से। इस सूत्र में शिव कहते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। नित्य जीवन क्या है और क्यों कहते हैं शिव कि प्रेम किए जाने के क्षण में, ध्यान किए जाने के क्षण में नहीं कह रहे हैं शिव, प्रेम किए जाने के क्षण में कह रहे हैं। प्रेम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? शिव को तो हम महायोगी, आदियोगी, परम योगी, श्मशानवासी, इस प्रकार के संज्ञा उपाधियों से विभूषित करते हैं, तो शिव प्रेम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं?
लेकिन आप देख रहे होंगे कि शिव हरदम पार्वती के साथ है। शिव पार्वती विराजमान जब होते हैं उनका जो प्रेम है वो छलकता है। अर्धनारीश्वर जो फोटो है शिव पार्वती का, वो किसी देवता का किसी भगवान का नहीं है, खाली शिव का है अर्धनारीश्वर। शिव कहने प्रेम के बारे में कहते हैं कि प्रेम किए जाने के क्षण में, व्हेन यू आर मेकिंग लव, मोहब्बत में या संभोग के क्षण में जिससे आप प्रेम करते हैं, जब आपके साथ प्रेम में आबद्ध होते हैं आलिंगन में, चुंबन में या संभोग में, तो उसमें ऐसे प्रवेश करो, ऐसे उतरो, ऐसे करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। प्रेम लव, बाइबल कहता है लव इज गॉड, प्रेम मृत्यु ध्यान, ये एक ही टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। ध्यान में आप डूबते हैं, अब जब खोते हैं, मृत्यु में तो आप इतने गहराई में डूबते हैं कि पूरा ही खो देते हैं, और प्रेम में आदमी ऐसा डूबता है कि ये लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, इतना प्रफुल्लित उन्मादित हो जाता है प्रेम में कि हरदम उसके सामने अपनी प्रेमिका की छवि या कोई लड़की है तो जिस लड़की से प्यार करती है उसका छवि हरदम दिमाग में चलता रहता है, किस प्रकार से जुड़ सके उस प्रकार। जिसने प्रेम ही नहीं किया, यदि जिसने किसी इंसान से प्रेम नहीं किया तो ईश्वर से प्रेम करने की बात तो बहुत दुख की बात है। ईश्वर से प्रेम करने से पहले किसी से प्रेम करना होगा, किसी से प्रेम करने से पहले अपने आप से प्रेम करना होगा। यदि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं तो आपके अंदर तो प्रेम है ही नहीं। जब आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप प्रेम किसी को दोगे कैसे? फिर वो वाला प्रेम हो जाएगा जैसे मस्तिष्कगत प्रेम कि भाई कि सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, जोड़ कितना बन जाएगा, घर कैसे बसाएंगे। लास्ट वीडियो में उन्होंने डिस्कस किया था इसके बारे में, जोड़ तो हिसाब किताब मैथमेटिक्स का क्या जिसको कहते हैं मैथमेटिकल लव, नहीं मैथमेटिकल लव नहीं होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ है प्यार मोहब्बत। तो शिव कहते हैं कि आप अपने प्रेमिका के साथ में या प्रेमी के साथ में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो कि जैसे वह नित्य जीवन हो। ये नित्य जीवन क्या है पहले इसको समझ ले तो पूरे सेंटेंस समझ में आ जाएगा हमको। नित्य जीवन, जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है, जो बीत चुका है, जो हो रहा है, जो आने वाला है, इसको हम जीवन कहते हैं। मतलब जन्म और मृत्यु का जो कालखंड है इसमें जो हम गति कर रहे हैं इसको हम कहते हैं जीवन। समय एक अवधि है, एक बंदा पैदा हुआ 1950 में, मरेगा 2015 में, तो ये जो 65 इयर्स का एक लाइफ स्पैन हुआ। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 20 साल होने के बाद में ये उसका अतीत हो गया, आपको 20th ईयर अभी चल रहा है, भविष्य आ रहा है, जो जा चुका है, जो आ रहा है, जो जा चुका है वो अभी नहीं है, जो आने वाला है वो अभी नहीं है, अभी है क्या, अभी जो है वो है नित्य जीवन, शाश्वत यही है। वर्तमान ही नित्य जीवन है। वर्तमान को समय की परिभाषा में प्रयोग करना या समय के हिसाब से तोड़ना गलत है। समय तो अतीत हो सकता है या भविष्य हो सकता है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हर पल समय चुप रहा है। ये तो ये जो हर पल समय चला जा रहा है, तो जो आप जिंदा हो, जो जीवन आपका अभी चल रहा है, जिसमें अभी आप हो, यही शाश्वत है, यही नित्य जीवन है। जैसे मृत्यु, मृत्यु कब घटित होगी, आपकी मृत्यु अतीत में घटित हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आपकी मृत्यु भविष्य में घटित हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मृत्यु डेथ ना तो पास्ट में हो सकता है ना फ्यूचर में हो सकता है, मृत्यु केवल वर्तमान में अभी हो सकता है। जैसे प्रेम
ना तो अतीत में हो सकता है ना भविष्य में हो सकता है। ध्यान ना अतीत में ना भविष्य में, ये सभी अभी की चीजें हैं, अभी हो सकता है। इससे कहते हैं कि नित्य जीवन, ये शाश्वत समय, जो गति है समय की, एक गति हॉरिजॉन्टल होती है। जैसे आपका अतीत, आप मानिए कि एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नेगेटिव ये आपका पास्ट, और वाई एक्सिस पॉजिटिव ये आपका भविष्य। ये सेंटर बीच का जो है एक्स और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है जहां जुड़ता है, ये खिसकता जा रहा है, ये आपका वर्तमान है। और ये वर्तमान नित्य जीवन है, जो रीत तो रहा है लेकिन रीत नहीं भी रहा है, जो रीत रहा है लेकिन नहीं रीत रहा है। तो इसे क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कि ये समय है जो है भी और नहीं भी है? बाइबल में जो जीसस से कहा गया, किसने पूछा कि स्वर्ग में क्या होगा, वो कहते हैं कि स्वर्ग में समय नहीं होगा, क्योंकि समय में जब हम रहते हैं जो भी समय के दायरे में आएगा उसका विनाश होगा, जो कि काल के दायरे में आएगा उसका विनाश होगा। जैसे काली है, काली समय से परे है, वो हरदम है, आदि शक्ति है और अभी भी है और हरदम रहेंगी, सदा सर्वदा रहेंगी, इसलिए कालातीत है, काली है, इसलिए महाकाल के ऊपर में खड़ी हुई है काली। जो महाकाल के ऊपर में अपना पैर रखकर खड़ी हुई है काली, ये बता रही है कि वो कालातीत है, वो समय के बंधन में नहीं आते। तो स्वर्ग में जीसस कहते हैं कि वहां समय नहीं है। तो जब आप प्रेम के क्षण में होते हैं, आलिंगनबद्ध होते हैं, वो प्रेम में पूरे डूबे हुए होते हैं, तो उस समय आपको समय का ज्ञान नहीं रहता है, समय को आप भूल जाते हैं, मन जो है शून्य हो जाता है, आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते उस समय, ना ही अतीत के बारे में सोचते हैं। तो आप कहां रहते हैं? अभी, और अभी शाश्वत है, हरदम है, क्योंकि अभी फिर अभी फिर अभी, इसको कहते हैं नित्य जीवन, शिव कहते हैं नित्य जीवन। तो प्रेम में ऐसे उतरो कि जैसे आप इस नित्य जीवन में हैं, शिव ये कह रहे हैं। जैसे कि शरीर की जो बोध है वो खत्म हो जाए, आपकी जो दृष्टि है उस दृष्टि में केवल प्रेम ही प्रेम हो, इतने गहरे उतर जाओ, इतने गहरे उतर जाओ कि तुम ही प्रेम बन जाओ, जैसे गोपियां कृष्ण ही बन जाते थे, कृष्ण गोपी बन जाते थे, उस प्रकार से जब आप अपने प्रेमी के साथ हो तो उसमें प्रेम में इतना डुबा दो कि वर्तमान में ही जियो। और ये सत्य है, आप जो गहरे प्रेम के क्षण में, आप अतीत के बारे में नहीं सोचते रहते हैं, ना ही भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, आप उस समय उसी वर्तमान में होते हैं। वर्तमान जैसे बताया कि समय का खंड नहीं है, समय के डेफिनेशन में वर्तमान नहीं आता है, केवल अतीत और भविष्य आता है। तो वर्तमान में रहने की कला जो है, टू स्टे इन द प्रेजेंट, आप मेरी किताब देखेंगे द गेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो कि आपके अमेजोन में, कोबो में, फ्लिपकार्ट में, अलग अलग जगहों में फिजिकल बुक के हिसाब से, ई बुक के हिसाब से अवेलेबल है, उसको आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बारे में उसमें काफी चर्चा की गई है, मन की गति के बारे में, समय के बारे में, उसको देखें, जानें और ये सीखें कला कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। जो लोग अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, उनका मन हरदम उलझन से भरा हुआ होता है, स्ट्रेसफुल होता है, या गिल्ट से भरा होता है, गलत कुछ काम किए थे अतीत में उसका पश्चाताप, भविष्य में क्या होने वाला है उसका भय, यू नो, तो एंजाइटी, फियर, इन चीजों से डायबिटीज, नींद की नींद नहीं आना, शरीर में जितने सारे साइकोसोमेटिक इश्यूज होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम अतीत या भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं, समय के साथ जीने की कोशिश करते हैं। वर्तमान जो कि शाश्वत, जो कि नित्य जीवन है, इसमें एक ऊर्जा है, प्राण है, उसमें जीना भूल चुके हैं, इसलिए हम अशांत हैं। जैसे ही वर्तमान में हम जीने की क्षमता प्राप्त कर लें, प्रयोग कर सकते हैं प्रेम से, क्योंकि प्रेम, ध्यान,
मृत्यु जैसे मैंने बताया कि सब वर्तमान भी हो सकते हैं, भविष्य में नहीं हो सकता है, अतीत में हो सकता है। तो एक जरिया है, एक तरीका है इस सूत्र को प्रयोग करने के लिए। तो इसको प्रयोग करके देखें, समझें और इसको अपने जीवन में उतारें और वर्तमान में जीना, आनंद में रहना सीखें। आत्म साक्षात्कार तब हो सकता है जहां रुक जाए, थम जाए, ठहर जाए वर्तमान में, न कि घिसते रहे और पीटते रहे लगे जैसे कोई पेंडुलम हो, अतीत में एक तरफ, भविष्य में एक तरफ, अतीत की तरफ, भविष्य की तरफ, बीच में रुक जाए। इसको कहते हैं बुद्ध मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, बीच में रुक जाए शांत होकर, तभी आपके आत्मदर्शन होंगे। और जब आत्मदर्शन आपका होगा, अपने साथ मिलेंगे, तब आप आनंद के सरोवर में स्थित होंगे, आनंदित। 109 चक्र है हमारे शरीर में, उनमें से मुख्य है 12 और उनमें से भी मुख्य है 9 और उनमें से भी मुख्य 7 चक्र है। चक्र माने जहां नस नाड़ियां सब एक होती हैं वहां बीच में। तो हमारे शरीर में कई चक्र है, एक मूलाधार चक्र जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती, गुद प्रदेश है, गुद प्रदेश के पास है वो मूलाधार, उससे ऊपर है जननेन्द्रिय के पीछे वो स्वादिष्टान चक्र, और तीसरा है नाभि पे है, नाभि में जो है वो मणिपुर चक्र कहते हैं, फिर हृदय में है एक चक्र अनाहत चक्र, फिर गले में है, इस चक्र को कहते हैं विशुद्धि चक्र, और दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र। ये सब डक्टलस ग्लैंड्स कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में इन सब का वर्णन है। अंग्रेजी जो सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें उन्होंने भी इन चीजों को माना, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे पूर्वज इतने हजारों साल पहले इस बात को जानते थे। अच्छा, फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहते हैं, आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब चक्र पर ध्यान देते हो, पहले तो कुछ नहीं अनुभव होता, सिर्फ ब्लैंकनेस आते, खालीपन, फिर थोड़ा समय के बाद वहां स्पंदन होने लगता है, तरंग का अनुभव होता है, फिर तरंगों के अनुभव के पश्चात प्रकाश अनुभव में आता है। तो तीन स्टेजेस हैं, एक ही साथ नहीं होगा, पहले तो कुछ नहीं, खालीपन होता है। फिर यदि आप लोग ध्यान कर रहे हो, सहज समाधि कर रहे हो, बहुत दिन से ध्यान कर रहे हो, आपको महसूस होता होगा जब ध्यान में बैठते कुछ वाइब्रेशंस, तरंगों का अनुभव आता है। कितने लोगों को तरंगों का अनुभव होता है, हाथ उठाइए। फिर तरंग बदल करके फिर ज्योति रूप होता है। घर में कोई सो रहे हो तो उनके सिर के ऊपर 12 अंगुल के बीच में ऐसे हाथ करो, उनका नाम लो या सिर्फ हाथ करो तो वो जग जाएंगे, उनको छूने की जरूरत नहीं। हमारा सूक्ष्म शरीर 12 अंगुल पर खत्म होता है। मन इतना बड़ा है, इसको वैज्ञानिकों ने केरेलियन फोटोग्राफी वगैरह लेके तुम्हारे आभा मंडल का चित्र भी निकालते हैं अभी, और तुम ध्यान करते हो सुदर्शन क्रिया करने के बाद आभा मंडल का चित्र लो और पहले लो, बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बड़ा है। जब सूक्ष्म शरीर सिकुड़ता है तब हमको अच्छा नहीं लगता भाई। जब भी आपको अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई, उसके साथ क्या अनुभव हुआ? ऐसा लगा कुछ फैलता हुआ अनुभव में आया। जब दुख होता तो क्या अनुभव करते हैं? कुछ सिकुड़ गया हो, जैसे कोई चीज सिकुड़ता हुआ अनुभव करते हैं। ये जो चीज है जो सिकुड़ता है और फैलता है, यही हमारा मन है, यही हमारी चेतना है। तो ना समझ लो आत्महत्या करते हैं, पता क्या हो रहा उनके साथ? उनका मन सिकुड़ गया, अब शरीर रहने के लिए अच्छा नहीं लगा। अरे भाई कुछ नहीं, थोड़ा सा फूंक मारो, प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, देखो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर वापस यथास्थिति हो जाएगा।
इस विज्ञान को नहीं जानते हुए हम कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब आपकी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप उससे निकलना चाहते हो कि नहीं? आपका स्वेटर हो, शर्ट हो या कोई भी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप क्या, अरे इससे निकलो, मुक्ति चाहिए। ऐसा ही मन सिकुड़ता है तो लगता है शरीर से हट जाओ, इसीलिए आत्महत्या करते हैं। जैसे ये लोग प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, क्रिया करेंगे, क्या होता है, सूक्ष्म शरीर फिर मजबूत होने लगता है, अपना नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है, फिर कोई आत्महत्या नहीं करता। तो शरीर में एक द्वादशांत बोलते हैं, 12 अंगुल के ऊपर इधर एक चक्र है, सिर के ऊपर भी एक चक्र है, वहां आपका सूक्ष्म शरीर का अंत होता है। मगर आप साधना के जरिए इसको बढ़ाओगे तो आपका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बहुत बड़ा हो रहा है, वही ईश्वर साक्षात्कार है। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से अपना कारण शरीर, जिसका व्याप्ति सब जगह है, कैसा, जैसे टेलीविजन का जो तरंग है, वो तरंग सिर्फ आपके घर में कमरे में है कि सब जगह है? वो तरंग सब जगह व्याप्त है। ऐसे हमारे भीतर जो चेतना है वो स्थूल रूप में शरीर बना, सूक्ष्म रूप में मन बना, और कारण रूप से तरंग के रूप में सब जगह व्याप्त हुआ है। इसलिए इस देश में मंत्र को बहुत महत्व दिया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, एक ओंकार ही सतनाम सच्चा नाम है, वही अस्तित्व में इस आवाज को तुम सुन सकते हो, एक ओंकार। दुनिया के कण कण में ओंकार है, दुनिया ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड के कण कण में ओंकार है। अब शंकर कहते हैं, प्रणवादि समुच्चार्या, किस ओंकार का उच्चारण करो वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लय हो जाए तो तुम भैरव को प्राप्त करोगे, भैरव अवस्था, खाली हो जाओगे। तो ओंकार का ध्वनि, ओंकार करने से पहले और बाद में भी तुम उस चैतन्य सत्ता में विलीन होते हो या जागृत होते हो। अनहदे पात्र करणे अभग्न शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। अनहद नाद को सुन लो अपने भीतर, या अभग्न शब्द जैसे एयर कंडीशन की आवाज आ रही है, एक साथ, या एक झरना, पानी की झरने का आवाज सुनते 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 तुम शांत। जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं, जब पानी में कूदने के लिए लोग जाते हैं, कम लोग मरते हैं उसमें, पता है, वहां पानी के किनारे जाके बैठते ही या देखते ही कुछ मन में होने लगता है, कुछ मन शांत हो जाता है। वैसे तालाब में, नदियों में कूद के मरने वालों की संख्या बहुत कम है, पंखे में लट कर के मरने वाले ज्यादा। जल की स्रोत के पास बैठ के उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो, वो खलखल की आवाज में, नीरव में तुम अपने आप को खो देते हो, उस स्थिति में तुम भैरव के करीब हो जाते हो। फिर शिव कहते हैं, शब्द को सुनते 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 फिर शब्द के परे चले जाना, कि शब्द भी कुछ समय के बाद बोझ लगता है, भारी लगती है। आप सबको लगता ही है ना, बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर, बहुत ज्यादा कोई भजन करते रहे या कोई भी गाना चलता रहे, लगता कब इससे मुक्ति हो। जितने हम संवेदनशील होते हैं उतने हमको सूक्ष्म शब्द पसंद आने लगते हैं, जो कम संवेदनशील है
हार्ड रॉक पसंद करते हैं, एकदम मोटा वो रॉक बैंड, उससे क्या होता हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों पर भी इन नाद का असर होता है। बेस ऑफ द स्पाइन पहला चक्र पर रॉक बैंड का असर होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। फिर वहां से ऊपर जाएंगे नाभि, नाभि में तंतुवाद्य का असर करता है। आप सितार बजाइए, वीणा बजाइए, या कोई मेटालिक स्क्रैच होता है ना, कहां आपको अनुभव होता है? कोई लोहे का कुर्सी या कुछ खींचे तो आपको उसका असर कहां पड़ता बताओ? पेट में पड़ता है। नाभि से हृदय तक तंतुवाद्य का है, तंतुवाद्य माने तार से बनी हुई होती है, सितार हो ये सब, गिटार सितार सब इधर। फिर हृदय से लेके गले तक का असर बांसुरी की है, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स का है। फिर वहां से चलोगे भ्रूमध्य में घंटी और शंख, हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही सब रखा जाता था, सबसे बाहर बड़े बड़े नगारी नबत्तो ये ड्रम्स ये सब रखते थे। उधर से नीचे जाते जाते गर्भगृह में सिर्फ घंटी होते हैं, छोटी सी शंख होते हैं, घंटी होते हैं। अब बच्चों को सुलाना हो तो रॉक म्यूजिक लगाओ, कोई बच्चा नहीं सो पाएगा दुनिया भर के, उनके लिए क्या वो कहते हैं जिंगल बेल, जिंगल बेल, छोटी सी घंटी, छोटी सी आवाज हो, तरंग हो, जल तरंग, पियानो, इस तरह की इन चीजों से बच्चे सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बच्चा बोलने से पहले गाता है, पहले गाए आप बोले, गाते हैं, हर व्यक्ति जीवन में गाते हैं, चाहे शवर के नीचे भी गा ले। संगीत भी एक माध्यम है, यहां शिव करे तो संगीत के माध्यम से भी तुम मुझ चैतन्य सत्ता में आ सकते हो। कोई 112 विधियां हैं सारे जगत में ध्यान की, और प्रत्येक विधि अद्भुत है, और 112 विधियों से आदमी परमात्मा तक पहुंच सकता है। उसमें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विधियां भी हैं, इसलिए एक विधि को मानने वाला दूसरी विधि को बिल्कुल गलत कहता है। लेकिन वे 112 विधियां सभी व्यक्ति को ध्यान और शांति और आनंद और सत्य तक ले जाने का मार्ग बन जाती। इस ध्यान केंद्र पर पूरी 112 विधियों का प्रयोग करने का ख्याल है, और तब पहली बार पृथ्वी पर उस तरह का प्रयोग होगा जिसने आज तक पृथ्वी पर सारे ध्यान की प्रक्रियाओं को एक साथ एक जगह, हम एक भी व्यक्ति को वहां खोना ना चाहेंगे, वो किसी भी मार्ग से जा सके उस मार्ग पर ही उसे सुझाव दिए जा सकेंगे। अब अजीब अजीब विधियां हैं जिनका आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम। एक दो विधि मैं आपसे कहना चाहूं, तिब्बत में एक बहुत छोटी सी विधि है बैलेंसिंग, समन संतुलन, उस विधि का नाम है। कभी घर में खड़े हो जाएं सुबह स्नान करके, दोनों पैर फैला लें और ख्याल करें कि आपके बाएं पैर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है कि दाएं पैर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है। अगर बाएं पर पड़ रहा है तो फिर आहिस्ते से जोर को दाएं पर ले जाएं, दो क्षण दाएं पर जोर को रखें फिर बाएं पर ले जाएं, एक 15 दिन सिर्फ शरीर का भार बाएं पर है कि दाएं पर, इसको बदलते रहें। और फिर ये तिब्बती प्रयोग कहता है कि फिर इस बात का प्रयोग करें कि दोनों पर भार न रह जाए, आप दोनों पैर के बीच में रह जाएं, और एक 3 सप्ताह का प्रयोग, और जब आप बिल्कुल बीच में होंगे, भार ना बाएं पर होगा ना दाएं पर, जब आप बिल्कुल बीच में होंगे तब आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक उसी क्षण में आप ध्यान में चले जाएंगे। ऊपर से देखने पर लगेगा इतनी सी आसान बात, करेंगे तो आसान भी मालूम पड़ेगी और कठिन भी मालूम पड़ेगी। बहुत सरल मालूम पड़ती है, 2 पंक्तियों में कही जा सकती है,
लेकिन लाखों लोगों ने इस छोटे से प्रयोग के द्वारा परम आनंद को उपलब्ध किया है। जैसे ही आप बैलेंस होते हैं, न बाएं पर रह जाते ना दाएं पर रह जाते, जैसे ही दोनों के बीच में रह जाते, वैसे ही आप पाते हैं कि वो बैलेंसिंग, वो संतुलन आपकी कॉन्शियसनेस का, चेतना का भी बैलेंसिंग हो गया, चेतना भी बैलेंस्ड हो गई, चेतना भी संतुलित हो गई, तत्काल तीर की तरह भीतर गति हो जाती। ऐसे 112 विधियां हैं सारे जगत में। इन सारी 112 विधियों पर विस्तृत वैज्ञानिक व्यवस्था इस ध्यान केंद्र में देना चाहता हूं, और न केवल आपको समझाया जा सके बल्कि आपको करवाया जा सके। अगर एक विधि से ना हो सके तो दूसरी विधि से करवाया जा सके। लेकिन हम आपको उस मंदिर से निराश न लौटने दें, क्योंकि 112 ये चरम विधियां हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। अगर एक विधि काम नहीं करती दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करती तीसरी करेगी, और आपकी विधि तत्काल खोज ली जा सकती है कि कौन सी विधि आप पर काम करेगी। आप पर कौन सी विधि काम करेगी इसकी खोजने की साइंस भी, इसके खोजने का भी विज्ञान है। और यदि हम इस समय देश के बड़े बड़े नगरों में और देश के बाहर भी ध्यान के ऐसे विज्ञान मंदिर निर्मित कर सके तो मनुष्य जाति के लिए, जो आज सर्वाधिक पीड़ा और संताप से गुजरती है, गुजर रही है, और जिसे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जो जो हमने सोचा था कि इससे सब ठीक हो जाएगा उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सोचा था कि लोगों के पास भोजन ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। आज दुनिया में आधी दुनिया के पास भोजन बिल्कुल ठीक। सोचा था लोगों के पास कपड़े होंगे, मकान होंगे, अच्छे रास्ते होंगे, दवा होगी, चिकित्सा होगी, बीमारियां कम होंगी। आज आधी दुनिया के पास सब है। एक बड़ी अद्भुत घटना घटी है कि जिनके पास आज सब है वे ही सर्वाधिक अशांत, बेचैन और परेशान हो गए। गरीब मुल्क एक अर्थ में सौभाग्यशाली, भूखे मरते हुए मुल्क एक अर्थ में सौभाग्यशाली, क्योंकि अभी भी उनकी आशा जीवित है। उन्हें ख्याल है कि समाजवाद आएगा, धन बढ़ेगा, धन बटेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये आशा भी उन मुल्कों की टूट गई जहां ये सब ठीक हो गया है। अब वे बड़ी निराशा में, गहन निराशा में खड़े हो गए। इतनी होपलेसनेस, इतनी आशा रहितता कभी भी मनुष्य के इतिहास में पैदा नहीं हुई थी। आज अमेरिका जितना आशाहीन है उतना पृथ्वी पर कोई भी नहीं, और आज अमेरिका मनुष्य के इतिहास में पृथ्वी का सर्वाधिक संपन्न, सर्वाधिक सुखी, हमारे अर्थों में सब कुछ जिसके पास है, और फिर भी अचानक अनुभव हो रहा है कि कुछ भी पास नहीं है। इतनी आशाहीन स्थिति का कारण एक है, हमने सोचा था जिन बातों से मिलेगा सब, वो सब डिसइल्यूजनमेंट, वो सब भ्रम टूट गए। और अब हमें वापस लौटकर सुनना पड़ेगा बुद्ध को, कृष्ण को, क्राइस्ट को, मोहम्मद को, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बार बहुत पहले ये कहा था कि सब भी मिल जाए मनुष्य को, लेकिन अगर स्वयं का अनुभव ना मिले तो कुछ भी मिलता नहीं। लेकिन हमें उनकी बात ख्याल में नहीं आ सकी, नहीं आ सकती थी, क्योंकि बात बड़ी काल्पनिक मालूम पड़ती थी, बहुत उटोपियन मालूम पड़ती थी। और जो लोग कहते थे धन मिल जाए, मकान मिल जाए, उनकी बात बड़ी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक मालूम पड़ती थी। इतिहास का मजाक कि जो लोग बहुत प्रैक्टिकल थे वो बहुत उटोपियन सिद्ध हुए, और जो लोग बहुत उटोपियन थे आज पृथ्वी पर वे ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सिद्ध होने के करीब। लेकिन धर्म अब पुराने रास्तों से नहीं लौटाया जा सकता, अब धर्म नए ही रास्तों से प्रवेश करेगा। उसके नए रास्ते वैज्ञानिक और तकनीकी होंगे।
अब जैसे एक आदमी हिमालय जाता था, आज भी हम सोचते हैं एक आदमी हिमालय जाए तो ध्यान में जा सकता है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हिमालय किस लिए जाता था। जितना ताप कम हो जाए वातावरण में उतना भीतर प्रवेश आसान हो जाता है, लेकिन कितने लोग हिमालय जा सकते हैं। लेकिन बंबई में एक एयर कंडीशनड मेडिटेशन हॉल हो सकता है, कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिमालय पर जो ठंडक मिल सकती है वो बंबई में भी उपलब्ध हो सकती है। अब हिमालय पर जाने की व्यर्थ की दौड़ धूप है, अब तो ठीक बंबई के बीच बाजार में भी उतनी ही शीतलता उपलब्ध हो सकती जितने एक योगी को हिमालय की चोटी पर उपलब्ध होती थी। उसके आसपास भी बर्फ फैलाया जा सकता है, अगर बर्फ से ही कुछ लाभ होना है तो बर्फ फैलाया जा सकता है। अगर ऊंचाई से कुछ लाभ होता है, जमीन के ग्रेविटेशन के कम होने से कुछ लाभ होता है, तो बंबई में भी ग्रेविटेशन कम किया जा सकता है, तो वहां भी इतना ही उत्ताप पहुंच जाएगा, इतनी ही गर्मी पहुंच जाएगी। एवरेस्ट पर जिस दिन जाने का रास्ता सीधा होगा उस दिन हम बस्तियां वहां भी बसा लेंगे। आने वाले भविष्य में मनुष्य जहां है वहीं सारी टेक्नोलॉजी और साइंस का उपयोग किया जा सकता है, और वहीं सारी व्यवस्था की जा सकती है जो कि एक योगी को बड़ी तकलीफें उठा के व्यवस्था करनी पड़ती थी, वो विज्ञान के द्वारा संभव हो गई, एक सामान्य आदमी के लिए भी सुलभ हो सकती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करके ही इस मंदिर को, ध्यान के मंदिर को निर्मित करना है। ये ध्यान का मंदिर, मंदिर सिर्फ इसी अर्थों में होगा कि वो ध्यान का है, अन्यथा वो एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी। इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मनुष्य ने जो जो खोज की है आदमी के संबंध में उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। एक आदमी ध्यान करने आता है लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इस आदमी को ध्यान में ले जाना आसान नहीं है, इस आदमी को ध्यान में ले जाना कठिन है, इसके रक्तचाप की जो अधिकता है वो इसके ध्यान में बाधा बनेगी। पुराने आदमी के पास रक्तचाप को नापने का कोई माध्यम नहीं था, लेकिन आज के ध्यान मंदिर में रक्तचाप नापने का माध्यम हो सकता है, रक्तचाप को कम करने की व्यवस्था हो सकती है, और फिर ध्यान में ले जाने की सुविधा बनाई जा सकती है। हाँ, एक बार आदमी ध्यान में चला जाए तो रक्तचाप में जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रक्तचाप में डूबे हुए आदमी को ध्यान में जाना मुश्किल हो जाता है। सारी दुनिया के योगियों ने अल्प आहार पर जोर दिया है, कम खाने पर जोर दिया है, उपवास पर, अल्प आहार पर, कम भोजन पर, सम्यक आहार पर सारी दुनिया के योगियों ने जोर दिया है। फिर भी उनके पास अल्प आहार क्या है इसकी ठीक ठीक जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी सिवाय अनुमान के। न उन्हें कैलोरीज का कुछ पता था, न उन्हें भोजन के तत्वों का कुछ पता था। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अल्प आहार के नाम पर जो चला उससे नुकसान ही पहुंचा। आज हमारे पास बहुत वैज्ञानिक व्यवस्था है कि एक आदमी को कितनी कैलोरी भोजन की जरूरत है, और हम ये तय कर सकते हैं कि उसकी कितनी कैलोरी कम हो जाए तो उसे ध्यान में आसानी हो जाएगी, कितनी कैलोरी ज्यादा हो जाए तो कठिनाई हो जाएगी। अगर ज्यादा भोजन है तो ध्यान में कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा भोजन ज्यादा नींद मांगता है, उसे पचाने के लिए उतनी ज्यादा नींद चाहिए। कम भोजन कम नींद मांगता है, और जितनी भीतर निद्रा कम पैदा होती हो उतना ध्यान का जागरण पैदा हो सकता है। ध्यान तो जागरण है, एक आदमी ध्यान करने बैठता है और ज्यादा भोजन करके बैठ जाता है तो फिर कठिनाई होगी। लेकिन ज्यादा भोजन से मतलब सिर्फ पेट में ज्यादा चीजें चली जाएं इससे नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक आदमी ने बहुत साग सब्जी खा लिया हो, पेट पर तो वजन ज्यादा हो लेकिन भोजन ज्यादा ना हुआ, और एक आदमी ने थोड़ी सी मिठाई खाई हो, पेट पर तो वजन कम हो लेकिन भोजन ज्यादा हो गया हो। और आमतौर से साधु संन्यासी मिठाई खाते रहे, दूध पीते रहे,
रबड़ी लेते रहे इस बात के बिना ख्याल किए, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं था, उसका कोई साफ ख्याल नहीं था। आज हमारे पास उपाय है। एक आदमी कितना सोए इस पर निर्भर करेगा कि उसकी ध्यान की गति कैसी हो सकेगी। दोनों बातें संबंधित हैं। अगर ध्यान ठीक हो जाए तो नींद ठीक हो जाएगी, लेकिन ध्यान को ठीक करना उतना आसान नहीं जितना नींद को ठीक कर लेना आसान है। पहले नींद ठीक कर ली जाए तो ध्यान में गति बहुत आसान हो जाएगी। अब लोगों के पास नींद ही नहीं है, वो रात भर सोए नहीं, सुबह ध्यान करने बैठ गए। जो आदमी रात भर सोया नहीं वो ध्यान में सिर्फ सोएगा। इसलिए मंदिरों में पूजा करते हुए साधु को सुनते हुए लोग अगर सो जाते हैं तो बहुत हैरानी नहीं। मैंने तो सुना है कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं कि धर्म सभा में चले जाना चाहिए अगर नींद ना आती हो। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा पादरी अपने एक मित्र को बार बार कहता था कि तुम कभी मेरा व्याख्यान सुनने आओ। नहीं माना तो एक दिन वो मित्र सुनने गया। पादरी अच्छे से अच्छा जो बोल सकता था बोला। बाहर जब दोनों निकलने लगे तो उसने अपने मित्र से पूछा कि कैसा लगा, तो उसने कहा बहुत ही ताजगी देने वाला, रिफ्रेशिंग। पादरी के हृदय की धड़कन खुशी से बढ़ गई। उसने कहा कौन सी बात तुम्हें इतनी ताजगी देने वाली लगी। उसने कहा कि जब मेरी नींद खोली तो मन बड़ा ताजा था, इतना तो मुझे घर भी नींद आती तब भी इतनी ताजगी नहीं मिलती। मैं जरूर आया करूंगा, तुम्हारा भाषण बहुत रिफ्रेशिंग था। क्यों आखिर मंदिर में धर्म कथा में आदमी को नींद आ जाती, बात क्या है? बोर्डम, ऊब पैदा हो जाए नींद आ जाती, कोई चीज उबाने लगे नींद आ जाती। और नींद की कमी हो तो जल्दी ही कोई चीज उबाने लगती है। जिनको नींद नहीं आती वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, ध्यान से शायद नींद आ जाए। उन्हें पता नहीं ध्यान से नींद जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन नींद का ठीक होना ध्यान में जाने के पहले बहुत जरूरी है, अन्यथा ध्यान में जाना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कठिन इसलिए हो जाएगा कि चित्त को पहली जरूरत नींद की है, और जैसे ही विश्राम मिला चित्त सो जाएगा। और ध्यान में जरूरत है विश्राम में भी जागे हुए होने की, रिलैक्स्ड एंड अवेयर। एक तरफ सब विश्राम हो और एक तरफ सब जागा हुआ, तभी कोई ध्यान में प्रवेश कर सकता है। और नींद का नियम यह है कि यहां हम विश्राम हुए बाहर कि भीतर नींद आ गई, रिलैक्स हुए कि नींद आ गई, तो ध्यान में अक्सर लोग सो जाएंगे। अब यह सारी व्यवस्था आज की जा सकती है, नींद नापी जा सकती है, उनके सपने नापे जा सकते हैं कि कितने सपने आपको आ रहे हैं। आपको भी पता नहीं होता कितने सपने आ रहे हैं, कैसे सपने आ रहे हैं। कल ही एक साधिका मेरे पास थी, ध्यान करना है उसे। मैंने उसके सपनों के बाबत पूछा, उसने कहा कि सपनों से क्या मतलब आपको, मुझे ध्यान करना है। मैंने उससे कहा कि मुझे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने ही मुझे बताएंगे कि तुम्हें सच में ध्यान करना है या कुछ और करना है। उसने कहा सपने में तो मुझे सिवाय काम वासना के और हिंसा के, हत्या के, आग लगा देने के, इस तरह के सपने आते हैं। तो मैंने कहा कि वही तुम्हारा चित्त करना चाहता है, अभी ध्यान मुश्किल पड़ेगा, पहले तो तुम्हारे सपनों को शुद्ध करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध करना है, वो अगर अपने सपनों को भी शुद्ध ना कर पाए तो स्वयं को शुद्ध नहीं कर पाएगा। सपने जैसी साधारण चीज भी अशुद्ध हो तो स्वयं का शुद्ध होना बहुत मुश्किल है। जिसके सपने भी अभी सात्विक ना हो पाए हो, उसका सत्व सात्विक हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। जिसके सपने अभी शांत ना हो पाए हो, उसकी सत्ता शांत हो जाए, यह भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से पहले सपने की जांचने की कोई सुविधा न थी। इस ध्यान केंद्र में सपने के जांचने की पूरी व्यवस्था करना चाहता हूं। अब तो इंतजाम है, जैसे आपका कार्डियोग्राम लिया जाता है वैसे ही आपके रात नींद के सपने का ग्राफ बन जाता है।
कि आपने कितनी देर सपने देखे, किस तरह के सपने देखे, वायलेंट थे, नॉन वायलेंट थे, सेक्सुअल थे, नहीं थे सेक्सुअल, क्या था सपने, किस तरह के थे, इसकी काफी जानकारी ग्राफ दे देता है। और कितना सपना देखा रात पर, क्योंकि ये जान के आप हैरान होंगे कि सपनों के संबंध में जितनी जानकारी बढ़ी है उतना ये प्रतीत हुआ है कि चित्त के भीतर भी वेव्स तरंगे, जब सपना चलता है तो तरंगे और तरह की होती, जब सपना बंद होता है तो और तरह की होती। और बड़े आश्चर्य की बात है कि गहरी नींद में जो तरंगों की स्थिति होती है वही स्थिति ध्यान की तरंगों में भी होती। ध्यान में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें वैसी ही होती हैं जैसी तरंगें गहरी निद्रा में होती, और जब कोई व्यक्ति सपने में होता है तो तरंगें वैसी ही होती हैं जैसे जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है। चिंता और सपनों का जोड़ है गहरी निद्रा और ध्यान का जोड़ है। ये सारी वैज्ञानिक व्यवस्था इस ध्यान मंदिर में करने का ख्याल है, और प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से सहायता पहुंचाई जा सके ये दृष्टि। और मेरे देखे आज मनुष्य को ध्यान की जितनी जरूरत है उतनी किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य जितना अशांत है उतना मनुष्य अशांत कभी भी नहीं था।